शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार प्रदेश प्रवास पर आई सुषमा स्वराज और नरेंद्र सिंह तोमर का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग से नशा मुक्ति पुस्तक का विमोचन किया और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर दो निलंबित हुए। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया। और आइए खबरें देखें विस्तार से। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय खान एवं श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आगमन पर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचकर प्रदेश के नागरिकों की ओर से केंद्रीय मंत्री द्वय का स्वागत किया और बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह, वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार, राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, सांसद प्रभात झा, भोपाल के सांसद आलोक संजर और विधायकगण ने मंत्री द्वय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ योग से नशा मुक्ति पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में योग से नशा मुक्ति के प्रयोग और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी गई है। पुस्तक के लेखक पुलिस महानिरीक्षक शहडोल वेद प्रकाश शर्मा हैं। विमोचन के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पवन जैन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को पत्र लिखकर बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन का अंग बनाने और महू एवं खंडवा के बीच गेज परिवर्तन के लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि रेलवे ने रतलाम इंदौर महू खंडवा लाइन के गेज परिवर्तन का काम शुरू किया है जो अजमेर सिकंदराबाद मार्ग के गेज परिवर्तन कार्य का हिस्सा है। रतलाम से महू तक गेज परिवर्तन का कार्य हो रहा है लेकिन महू और खंडवा के बीच ये कार्य अभी लंबित है। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है जिससे पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर आज राजधानी भोपाल में रैली एवं रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। दौड़ में 8 साल से लेकर 80 साल तक की आयु के लोग शामिल हुए। आयोजन में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण एवं संचालक स्वास्थ्य राजीव दुबे शामिल हुए। भोपाल के मुख्य मार्ग क्रमांक 1 पर स्थित चिनार उद्यान से प्रातः रन फॉर हेल्थ को प्रवीर कृष्ण ने फ्लैग ऑफ किया। ये रेस व्यापम चौराहा, भोपाल हाट चौराहा, डीबी मॉल चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहे होते हुए वापस चिनार उद्यान पहुंची। रैली के साथ ही एक रथ भी निकाला गया जो तंबाकू के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जानकारी देता हुआ चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों में राष्ट्रीय फसल बीमा को नई व्यवस्था होने तक कायम रखे जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। उन्होंने उज्जैन में अप्रैल मई 2016 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 3,500 करोड़ की अनुदान राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि पूर्व केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श किए बिना प्रचलित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को समाप्त कर दिया था। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।